स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, वो दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और जो भी फोर्स होता है, मान लीजिए कि दो बॉडी है, एक का मास है m1, एक दूसरे का मास है m2, तो और उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के मासेस का, मीन्स m1 इंटू m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी डिस्टेंस है उनके बीच में r, उसके स्क्वायर का, मीन्स r स्क्वायर का। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Second question dekhte, define acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity kya hota hai, jo bhi free falling hoti hai body under the action of gravity, to uska jo acceleration produced hota hai usi ko kya kehte hain hum, acceleration due to gravity। अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द टर्म प्रेशर। सो प्रेशर क्या है, जो भी फोर्स होता है पर यूनिट एरिया पे उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, जो मास है उसकी जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है सारी प्लेसेस पे, मीन्स वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। वहीं जो वेट होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मीन्स वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती डिफाइन के लिए। वो जो वेट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसको दोनों की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड की। जो आपका मास होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, और जो वेट है वो ज़ीरो होता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी होती है, ज़ीरो, तो उसके कारण जो वेट है वो भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब मास की यूनिट की बात करें तो वो होती है किलोग्राम, मीन्स केजी, और जो वेट है उसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन। मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई बॉडी फुली और पार्शली इमर्ज्ड है किसी भी फ्लूड में, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जितना कि जो वेट है फ्लूड का वो डिस्प्लेस हुआ है, तो जो भी अपवर्ड थ्रस्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, जो वेट ऑफ द फ्लूड है जो कि डिस्प्लेस हुआ है। तो यही क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शली इन ए फ्लूड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यहाँ पे जो थ्रस्ट है उसका मीनिंग होता है फोर्स, ठीक है। सो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।